शाम में भी टहलते हैं। हम तो देखते हैं कि बच्चे गली मोहल्ले में बैठकर अपने मोबाइल पर समय व्यतीत करते हैं, विद्यालय भूल जाते हैं। हाँ ये सच है, मेरे भी कुछ साथी विद्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं। हाँ और ये वही बच्चे हैं जो गली मोहल्लों में गंदी गंदी गालियाँ सीखते हैं और स्कूल में आके अपने शिक्षकों पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं, मेरे भी कुछ साथी हैं जो शिक्षकों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप उन्हें मना नहीं करती? मना करते हैं लेकिन उससे ज्यादा हम कर क्या सकते हैं। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं, जब बड़े नहीं सीख रहे हैं तो शुरुआत बच्चों से करो। बच्चे भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने शिक्षकों के लिए, अपने माता पिता के लिए जो उनके जीवन बनाते हैं। आपने ठीक कहा कि शिक्षक भी तो बिना हमारे किसी स्वार्थ के हम एक अनपढ़ से कलेक्टर बनाने में मदद करता है। तो आज मुझे पता चला कि ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने साथियों को रोकूं कि वो अपने शिक्षकों के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें। हाँ बिल्कुल, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हम हैं और तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं। तुम अपने मित्र अपने दोस्तों को सिखाओ, वो अपने मित्रों को सिखाएंगे और ऐसे ही देश प्रगति कर सकता है। ऐसे होने चाहिए देश के भविष्य, जो देश के बारे में सोचे और ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल अपने शिक्षकों के लिए तो कभी भी ना करे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।